कंग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने के लिए. काफी कई सालों से लोग प्यार करते हैं. नंबर वन शो है, टॉप फाइव रेटिंग आता है, क्या कहना चाहेंगे अवार्ड मिलना है? आशीष भाई क्या कहेंगे? सब हमारे जेठालाल को बहुत पसंद करते हैं. जैसे ही जेठालाल दिखते हैं हमारे दर्शक मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं. तो वही है, 11 साल से लोगों को हंसा रहे. आज भी हमको 11 साल के बाद भी आज भी हमको अवार्ड मिला बेस्ट कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा. सर आप कुछ कहना चाहेंगे बेस्ट? बस देखिए कॉमेडी जो है सब जानते हैं बहुत मुश्किल है, उससे वेरी सीरियस लेती और उसमें अगर आपको सराहना मिलती है, लोगों का इतना प्यार मिलता है तो वाकई में ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार है कि हमें इस लायक उन्होंने बनाया कि हम इतने करोड़ों लोगों के चेहरे पर अच्छी एक नुकसान ला सकते हैं. तो सबसे पहले भगवान स्वामीनारायण हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज महात्मा महाराज का मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ कि उनका आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पर लेना चाहूँगा. और आसिफ भाई जो हमारे इंजन है वो अपने डिब्बे है उसके पीछे पीछे लगे पड़े रहते हैं. आज भी उनमें वही जज्बा है, वही लगन है और बहुत मेहनत करते हैं और पूरी हमारी टीम भी आज भी इतनी मेहनत करती है. ओके सर, जैसे कि आपने कहा कि सर को देखते बहुत ही खुश होते लोग सारे ऑडियंस, दया मैम को भी देखने के लिए लोग तरस रहे हैं. कब तक हम देख पाएंगे? जल्दी थोड़ा देखने मिलेंगे, थोड़ा इंतजार करिए. कब तो क्या दया जल्दी होगी? तो दिशा वापस आ रही है शो में या हम एक नई दया बहन को देखेंगे? वो अभी थोड़ा सा इलेक्शन हो जाए भारत में तो उसके बाद, क्योंकि अभी बहुत इलेक्शन है, IPL है, तो उसके बाद हम लोग. ओके क्या लग रहा है, इलेक्शन है, आपको लग रहा है मोदी जी आ जाएंगे? मोदी जी आ जाएंगे आपको लग रहा है? अभी अवार्ड शो में भी ये सवाल कर रहा हूँ. हम हंसाने का काम कर रहे हैं, हंसाने दो, आप भी हंसते रहो, हम भी हंसते रहो. ओके थैंक यू. When my Gujju sister Mansi Parekh and the cute Nirvi and Parthiv presented to the all-time favorite Gujarati show. Satme hai kuch